हेलो एवरीवन, हैवियच इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में 1.4 लेसन का सॉल्यूशन किया था, जो कि 1 लेसन का यानी फर्स्ट लेसन का वो लास्ट लेसन था, यानी लास्ट वाला वो चैप्टर था। तो हम आज चैप्टर 2 का सॉल्यूशन करेंगे। जो चैप्टर 2 का सॉल्यूशन करेंगे वो है क्या हमारा, बहुपद। ठीक है, तो बहुपद हम समझेंगे कि बहुपद किसे कहते हैं भाई, क्या होता है बहुपद, तो थोड़ा समझते हैं। ठीक है ना, बोलते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि बहुपद क्या होता है। तो चर अचर और चर के गुणांक तथा ऋणेतर घनांक के जोड़ घटाओ या गुणन की क्रिया वाले बीजगणितीय व्यंजक को हम बहुपद कहते हैं। ठीक है ना, तो अब यहाँ पे बात आएगी कि चर अचर, तो चर अचर क्या है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि चर, तो देखिएगा ये चर है क्या, तो एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड एक्स, ये सब क्या हो गया हमारा, चर कहलाता है। अब बात आ गई कि अचर, तो अचर क्या होता है वो समझते हैं कि अचर क्या होता है। तो यहाँ पे देखिएगा अचर जो है एक दो तीन माइनस दो एक बटा चार ईटीसी, ये सब क्या हो गया हमारा, अचर हो गया, यानी कांस्टेंट हो गया। ठीक है, अब घातांक समझते हैं कि भाई घातांक क्या होता है, घातांक, तो घातांक यहाँ पे देखिएगा घातांक क्या होता है, तो घातांक देखेंगे जीरो एक दो तीन चार पांच डॉट 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 ईटीसी, ये सब हमारा क्या हो गया, ये सब जो है घातांक होते हैं। क्या होते हैं, तो ये सब जो है घातांक होते हैं। ठीक है ना, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे एक लीनियर होता है, यानी लीनियर यानी रेखीय बहुपद, तो रेखीय बहुपद क्या है, तो घात एक के बहुपद को यानी एक्स के पावर वन हो उसको हम लोग क्या कहते हैं, रेखीय बहुपद, जिसका घात क्या हो, वन हो। तो घात तो अभी नहीं बताया, घातांक एक दो तीन चार, ये सब क्या है, ये हो गया हमारा रेखीय बहुपद यानी लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है ना, अब यहाँ पे देखिए द्विघात बहुपद। ठीक है, तो द्विघात बहुपद किसे कहते हैं, जिसका घात क्या हो, दो, दो हो, क्या हो, घात दो के बहुपद को क्या कहते हैं हम लोग, द्विघात बहुपद कहते हैं, यानी घात दो कहने का मतलब एक्स के पावर दो हो उसको हम लोग क्या कहेंगे, तो द्विघात बहुपद कहेंगे। तो चलिए इतना हम लोग समझ लिया। ठीक है ना, तो आगे हम चैप्टर 2.1 जो कि हमारा सॉल्यूशन करना है 2.1, तो आइए 2.1 हम लोग देख लेते हैं 2.1। ठीक है, तो यहां पे ध्यान दीजिएगा, किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया है, प्रत्येक स्थिति में px के शून्यांकों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, px की शून्यांकों के px के शून्यांकों की संख्या ज्ञात कीजिए, तो आइए हम ज्ञात करते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये जो हमारा ग्राफ है y एंड y डैश x एंड x डैश, यहाँ पे समझिएगा, ठीक है, क्वेश्चन देखते हुए समझना है हम लोग को कि हम लोग से पूछा जा रहा है क्या, पी एक्स यानी एक्स अक्ष पे, ठीक है ना, एक्स अक्ष पे जितने बार हमारा ग्राफ कटेगा, कहने का मतलब है कि ये जो एक्स है, ठीक है, ये जो एक्स है एंड सॉरी ये एक्स डैश है और ये एक्स है और यहाँ पे ये क्या है वाई है एंड वाई डैश, यानी इस पे जो हमारा एक्स अक्ष पे कटेगा उसी का हम लोग से संख्या पूछ रहा है। ठीक है ना, जितने बार एक सच पे कटेगा उतनी संख्या, लेकिन पहला नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि यहाँ पे ऐसे करके ये किया हुआ है, यानी बाई है ये और ये बाई डैश है और ये एक्स डैश है और ये एक्स है, यहाँ पे देखिए हम लोग से पूछ रहा है एक्स पे ना, यानी एक्स अच पे, लेकिन ये कटा हुआ है कहाँ पे, बाई पे कटा हुआ है, कहाँ पे कटा हुआ है, बाई पे कटा हुआ है, तो यहाँ पे हमसे बाई तो पूछ नहीं रहे, हमको एक्स के बारे में पूछ रहे, यानी एक्स अक्ष पे पूछ रहे, तो एक्स अक्ष पे एक भी बिंदु नहीं कटा है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि शून्य को, क्या लिखेंगे, शून्य को की संख्या बराबर जीरो, क्यों जीरो, क्योंकि एक्स अक्ष पे कट नहीं किया है, अगर एक्स अक्ष पे कट करता तो हमारा ये जो पहला नंबर का जो पहला था फिगर उसमें आंसर कुछ और होता, लेकिन यहाँ पे जो है बाई पे कटा है यानी एक्स पे नहीं कटा है, तो हमारा जीरो आंसर, क्योंकि एक्स पे कटा ही नहीं है। ठीक है, तो अगला नंबर फिगर है हमारा
जो कि इस प्रकार है, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, अगला नंबर फिगर है जो यहां पे देखिएगा, फिगर ये वाला दूसरा नंबर, ठीक है, इस प्रकार है फिगर हमारा। तो यहां पे कैसे काटा गया, तो यहां से ऐसे काट करके यहां से ऐसे काटा गया है, ठीक है। ये हो गया बाई, ये हो गया बाई डैश, ये हो गया एक्स डैश, और ये हो गया एक्स, ठीक है। अब यहां पे बोला है कि एक्स, तो यहां पे बात आएगा एक्स, तो एक्स पे कितने बार काटा है, यानी एक्स अक्ष पे कितने बार कट किया है। तो यहां पे देखिए सिर्फ और सिर्फ एक बार कट गया है, कितना कट गया है, तो एक बार, एक तो बाई पे कट गया है, लेकिन हमसे बाई का तो पूछ नहीं रहा है, एक्स अक्ष का ही पूछ रहा है। तो क्या करेंगे, एक्स अक्ष का पूछ रहा है, तो एक बार ही कट गया, तो क्या लिखेंगे हम लोग, शून्य को की संख्या बराबर एक, ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। अगले ही और बढ़ते हैं, अगला नंबर क्वेश्चन तो थर्ड नंबर है, ठीक है। तो थर्ड नंबर ध्यान दीजिएगा, यहां जो है थर्ड नंबर का फिगर, यानी इस प्रकार फिगर बनाया हुआ है, यहां से ऐसे गया, यहां से ऐसे गया, यहां से ऐसे, इस प्रकार है, ये एक्स हो गया, ये एक्स डैश हो गया, ये बाई हो गया, ये बाई डैश हो गया। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा कि एक्स अक्ष पे कितने बार काटा है, तो कितने बार काटा, देखिए एक बार यहां पे काटा है, एक बार यहां पे काटा है, और एक बार यहां पे काटा है। हमको बाई पे, बाई से हमको कोई मतलब नहीं कितने बार बाई पे काटा है या नहीं काटा है, हमें सिर्फ और सिर्फ एक्स पे जितने बार काटा है उतना हमको काउंट कर लेना है। तो एक यहां पे कटा है, एक यहां पे कटा है, एक यहां पे कटा है, यानी यहां पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, शून्य को, सॉरी शून्य को की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, थ्री, ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। चलिए अगला नंबर फिगर की ओर बढ़ते हैं हम लोग, चौथा नंबर, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये हमारा चौथा नंबर, तो यहाँ पे हम चौथा नंबर का फिगर जो है ये कर लेते हैं। तो चलिए पार लिया मैंने ये फिगर, और ये हो गया ऐसे करके कट किया हुआ है, ये एक्स डैश हो गया, ये एक्स हो गया, और ये बाई हो गया, ये बाई डैश हो गया। तो अब यहाँ ध्यान दीजिएगा कि एक्स अक्ष पे कितने बार कट किया है, कितने बार, तो दो बार, एक बार यहां पे है और एक बार यहां पे है, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा आंसर कि शून्य को की संख्या, शून्य को की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, तो ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है क्या, फाइव नंबर, तो फाइव नंबर का फिगर यहां पे है, ठीक है ना। तो यहां से हम इसका फिगर पार लेते हैं, तो इस प्रकार है फिगर, यहां से ऐसे है, यहां से ऐसे, और यहां से ऐसे। चलिए ये हो गया एक्स, ये हो गया एक्स डैश, ये हो गया बाई, ये हो गया बाई डैश, ठीक है। अब आप देखिए कि एक्स अक्ष पे कितने बार कट किया है, वही हमारा आंसर हो जाएगा। हमको बाई को नहीं देखना है, सिर्फ और सिर्फ एक्स को ही लेकर के चलना है, ठीक है ना। तो देखिएगा एक्स पे कितने बार है, तो एक बार यहां पे कट किया है, एक बार यहां पे कट किया है, एक बार यहां पे कट किया है, और एक बार यहाँ पे कट गया, यानी एक दो तीन चार बार कट गया। यानी हम कह सकते हैं कि शून्य को की संख्या बराबर क्या हो जाएगा हमारा, चार, ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। अब है हमारा सिक्स नंबर, ठीक है, तो सिक्स नंबर, तो चलिए ये हो गया हमारा ऐसे है, और फिगर हम देख लेते हैं किस प्रकार है। तो यहां से ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे है, और ये हो गया यहां से ऐसे, ठीक है। तो अब यहां पे ध्यान दीजिएगा कि हमारा जो है ये कितने बार, ठीक है ना, कितने बार हो गया। तो यहां पे देखिए एक बार कहां पे है, तो यहां पे है, एक बार कहां पे, यहां पे है, और एक बार कहां पे है, यहां पे, ठीक है ना। तो यानी एक सच पे जो हमारा गया है, ठीक है, कितने बार टच करके गया या कितने बार काट करके गया है, वही तो हमारा आंसर होता है। क्या होता है, वही तो हमारा आंसर होता है। तो कितने बार गया, तो एक दो तीन, यानी हम कह सकते हैं क्या कि शून्य को की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, एक दो तीन, ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है ना, समझ में आ गया। तो ये जो था हमारा 2.1 एक्सरसाइज का सॉल्यूशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।